गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट दिस इज योर इंग्लिश बुक स्प्रिंग एंड प्रोवाइड बाय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद स्प्रिंग फॉर क्लास फोर्थ न टूडे वी विल रीड लेसन नंबर थर्टीन आज हम क्या पढ़ेंगे लेसन नंबर थर्टीन वट इज द नेम ऑफ लेसन लवली सीजन्स लवली सीजन्स लवली मीन्स प्यारेन्स मौसम प्यारे मौसम मौसम सब प्यारे ही होते हैं ना ओके वट आर यू सींग देर यहाँ क्या देख रहे हो आप वन टू थ्री फोर फोर चिल्ड्रन आर देयर चलो बताओ इन्होंने क्या पहना है यस कैप पहना है ग्लव्स है स्वेटर है और ये, ये तो शर्ट में और हाफ पैंट में है इन्होंने अम्ब्रेला लिया है और ये देखो लिप्स ऐसा क्या हो रहा है डाउन हो रही है ना फॉलिंग डाउन फ्रॉम फ्राम दी लिप्स आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री ओके तो यहाँ पर कौन सा मौसम हो गया बच्चों यस विंटर सीजन वट इज विंटर सीजन जिसको आप कहते हो सर्दी का मौसम ये दिस इज समर सीजन गर्मी का मौसम रेनी सीजन बारिश का मौसम एंड ऑटम सीजन मीन्स पतझड़ का मौसम जिसमें पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे हमको वन टू थ्री फोर सीज़न्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और आप उसको समर भी बोल सकते हो उसके बाद देखो यहाँ पे फ्लावर्स ब्लॉजम हो रहे हैं इसका मतलब नए नए फूल खिल रहे हैं तो यू कैन से स्प्रिंग मौसम स्प्रिंग सीजन आल्सो यू कैन से आप कह सकते हो ओके okay बच्चों चले पढ़ते हैं हम लोग ये पोएम हमारी लवली सीजन्स लवली पोएम लेट इज स्टार्ट अबाउट सीजन एंड मंथ्स आल्सो ओके okay. यहाँ पे सीजन भी है और हमको मंथ का भी पता चलेगा सीजन के पता चलेगा एवरीबडी नोज डेट देर आर द ट्वेल्व मंथ आप सबको पता है कि हमारे मंथ कितने हैं बच्चों ट्वेल्व मंथ है ना चलिए स्टार्ट ओके लिसन केयरफुली एंड अटेंशन ऑन द वर्ड द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी साल का पहला महीना जनवरी होता है ओके फॉलोड बाय ए कोल्ड एंड फॉगी फेबर और ये किसके बाद? इसके बाद कौन आता है इसके बाद आता है फरवरी जिसमें होती है कोल्ड एंड फॉगी है ना क्या होता है कोल्ड मतलब ठंड ज्यादा होती है फॉगी मतलब कोहरा भी होता है जनवरी के बाद फरवरी आता है जिसमें कोल्ड और फॉग रहता है टाइट ठंड भी रहती है और कोहरा भी रहता है वैसे जनवरी लास्ट में शुरू हो जाता है देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग एंड इन अप्रैल ब्लॉजम्स एवरी थिंग मतलब खिलना ब्लाउज मतलब खिलना क्या खिलना फूलों का खिलना है ना आप लोग देखते होंगे सब जगह फ्लावर न्यू न्यू फ्लावर आने लग जाते हैं अप्रैल के सीज़न में मार्च से जैसे फिनिश होता है आप लोग देखते होंगे कि खेतों में सरसों के फूल हर जगह येलो येलो जो खेती वाले जो होते हैं गेहूँ वगैरह वो सब रेडी हो जाते हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्प्रिंग में जैसे नए नए फूल खिलते हैं बसंत पंचमी आपने नाम ही सुना होगा वो भी कब आता है यस स्प्रिंग के सीज़न में आता है तब हम सरस्वती माता को येलो येलो फ्लावर क्या करते हैं ऑफ़र करते हैं ना चलिए फिर से देखते हैं, देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग और मार्च आता है अपने स्प्रिंग के साथ में मतलब बसंत के मौसम के साथ में एंड इन द अप्रैल ब्रॉजम एवरीथिंग और अप्रैल के महीने में सब जगह फूल खिल जाते हैं फूल खिलते हैं नए नए फूल जब पतझड़ के मौसम आता है ना उसके बाद जब पत्ते झड़ जाते हैं फिर आता है ये बसंत का मौसम फिर नए नए पत्ते आ जाते हैं देखिए कैसे मे एंड जून आर वेरी हॉट फिर मई और जून बहुत हॉट होते हैं तब हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं है ना बच्चों हम लोग गर्मी की छुट्टियां मनाते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं इन जुलाई एंड अगस्त वी सी ड्रॉप जुलाई और अगस्त में हम ड्रॉप देखते हैं मतलब बारिश होती है जुलाई और अगस्त में बारिश देखते हैं हम लोग सेप्टेंबर इज अथ एंड टेंथ अक्टूबर सितंबर नाइन मंथ है और उसके बाद दसवा महीना अक्टूबर का है सितंबर नवा महीना है और दसवां महीना अक्टूबर है लिव्स फॉल एज ऑटम एंड इन द नवम्बर और फिर क्या होता है लिफ्स फॉल एज ऑटम पतझड़ का महीना आता है नवंबर के लास्ट में और लिवस गिरने लगती हैं पत्तियाँ झड़ने लगती हैं जिसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं पतमिज पत्ता झड़मि झड़ना इसलिए इसका नाम पड़ गया पतझड़ ओके द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेम्बर और लास्ट जो मंथ है उसका नाम तो बहुत ही आसान है याद करने में क्रिसमस कम इन द ट्वेल्थ मंथ डेट इज दिसंबर इसलिए इसमें इस ट्वेल्थ मंथ में क्रिसमस आता है और वो है दिसंबर क्या है दिसंबर तो बच्चों देखो अब हम लोग यहाँ पे मंथ नेम भी समझते हैं जनवरी फेबररी मार्च May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, there are 12 months in a year. Now, see season's name and the first is cold season, means you can say winter season, then is spring. फिर क्या आता है स्प्रिंग रेन ड्रॉप मीन्स रेनी सीजन रेन ड्रॉप मीन्स रेनी सीजन ओके यहाँ पे बोला गया बारिश हो रही है पे एंड ऑटम मीन्स पतझड़ तो क्या हो जाएगा विंटर समर रेनी ऑटम ओके लोग हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर कमान 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 लेट कम आंसर द्वेश्चन लेट रीड द क्वेश्चन नंबर ए नेम द मंथ विच इज कोल्ड एंड फॉगी उस महीने का नाम बताइए जो कोल्ड और फॉगी होता है तो आप बच्चों कैसे लिखोगे लिखोगे फेबरि क्या लिखोगे फेबर ज कोल्ड एंड फॉगी ओके यहाँ से विच नहीं लिखना है आपको यहाँ तक कुछ नहीं लिखना है सिर्फ पहले क्या लिखना है फेबररी लिखोगे कोल्ड एंड फॉगी ओके इजी है वेरी इजी इन विच मंथ डू फ्लावर्स ब्लॉजम कौन से महीने में फ्लावर खेलते हैं आप क्या लिखोगे इन अप्रैल कैसे लिखोगे बच्चों इन अप्रैल वी हैव सीन अप्रैल वी हैव सीन फ्लावर्स प्लॉजम ईजी वेरी इजी नेम द मंथ विच आर वेरी हॉट उन महीनों के नाम बताओ जो बहुत गर्म होते हैं आप कैसे लिखोगे यहाँ से कुछ नहीं लिखना है विच भी नहीं लिखना है आपको क्या लर्न करना है मे एंड जून क्या लर्न करना है बच्चों आपको मे एंड जून आर वेरी हॉट मे एंड जून वेरी हॉट ओके नेम द मंथ इन विच वी सी drop. कौन से महीने में हम बारिश देखते हैं ड्रॉप देखते हैं आप लिखोगे इन अगस्त यहां से भी लिख सकते हो आप वी सी वी सी August. इन अगस्त वी सी in इन अगस्त ओके लास्ट क्वेश्चन इट इज फॉर यू ये आपके लिए च इज योर फेवरेट सीजन एंड वाई आपका फेवरेट मौसम कौन सा है और क्यों है तो ये तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है यू हैव टू डू बायर सेल्फ आपको अपने से करना है लेट सी दर्ड पावर ओके लुक एंड राइट देखो और लिखो चूज द वर्ड फ्रॉम द स्टोर हाउस दिस इज योर स्टोर हाउस यहाँ से हमको वर्ड को चूज करना है टू फिल द्क ब्लैंको फिल इन हमको फिल करना है तो यहाँ पे हमको वर्ड दिए हैं कोल्ड रेनी हॉट टी शर्ट ग्लव रेन कोट सैंडल सन ग्लासेस लॉन्ग बूट शॉर्ट्स वोलन कैप मोफल अम्ब्रेला स्नो बूट एंड हैट ओके लेट्स ऑफ ऑल लेट सी दिस पिक्चर इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फील करना है और यहाँ से हमको वर्ड पिक करना है ओके okay? आपको दिखाई दे रहा है कौन सा सीजन है ये yes, यस गर्मी का सीजन तो हम क्या बोलेंगे इसको इट्स हॉट इट्स हॉट ब्रिजेश इज वियरिंग सन ग्लासेस टी शर्ट शॉर्ट्स एंड सैंडल्स तो ये वर्ड्स हमने कहाँ से पिक किए बच्चों हमारे वर्ड स्टोर हाउस से यहाँ से हमने वर्ड को लिया है इट्स कोल्ड इट्स कोल्ड प्रीति इज वेयरिंग ए ग्लास ए वुलन कैप मफलर एंड स्नो बूट ओके इट्स रेनी इट्स रेनी रमेश इज वेयरिंग ए हैट रेन कोट लॉन्ग बूट्स एंड होल्डिंग एंड एन अम्ब्रेला ओके तो ये थे हमारे सीजन जिसको आपने देखा एंड इसको आप क्या करेंगे रीड अगेन फिर से पढ़ेंगे फिर से पढ़ने को क्या बोलेंगे हम रीड अगेन ओके बाय बाय ठीक केयर फिर मिलेंगे